एवरीवन, दिस इज सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ कोई ऐसी जॉब बताइए जो चैट बेस्ड जॉब हो। तो आज मैं बात कर रही हूँ चैट बेस्ड जॉब के बारे में। ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप इसे आप ऐसे समझिए कि आप कभी भी आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं होने वाली, हमेशा परमानेंट टाइप की जॉब रहेगी और वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के यहाँ पे बात करते हैं जॉब के पूरी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये टेली परफॉर्मेंस की तरफ से आई हुई है और यहाँ पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है और ये नॉन वॉइस की जॉब है। अब नॉन वॉइस क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे चैट के थ्रू आपको कस्टमर की जो क्वेरी है उन्हें रिजॉल्व करना है, एंड टू एंड ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे आपसे बात करी कि परमानेंट टाइप की जॉब है एंड यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर 0 to 5 years का एक्सपीरियंस मांगा गया। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूँ तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो यहाँ पे सिंपली अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 12th पास के बाद कोई हाउस वाइफ है वो भी अप्लाई कर सकती, कोई रिटायर्ड पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब बेसिक यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास की मांगी गई है। अब अगर मैं जॉब रोल की बात करूँ तो मैंने आपसे बताया कि आपको यहाँ पे केवल चैट के थ्रू कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना है, उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर करनी है, केवल यही आपका जॉब होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपको चैट के थ्रू क्वेश्चन, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करने हैं, तो आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है इंग्लिश का वो अच्छा होना चाहिए। मतलब ग्रामेटिकल आपका कोई मिस्टेक ना हो और जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा, जिससे आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकें। यहाँ पे एक बेस्ट एक और चीज़ है, जो मिनिमम स्पीड मांगी गई है वो 30 Mbps मांगी गई है। नॉर्मली अगर कोई पर्सन कभी टाइपिंग ना भी किया हो तो उसकी 25 Mbps स्पीड होती है। तो आप इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करने का आपको 7 days इसके लिए प्रैक्टिस कर लेना है तो आपकी 30 Mbps स्पीड हो जाएगी। स्पीड इसलिए मांगी गई है क्योंकि ये चैट प्रोसेस की जॉब है, आपको चैट के थ्रू लोगों को रिप्लाई देने हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीड भी मांगी गई, जहाँ पे एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए। अब इसके साथ आपको चूंकि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो एक आपको वर्क फ्रॉम होम में अपने घर पर ही एक सेटअप चाहिए होगा पूरा ऑफिस वाला। मतलब आपके पास एक गुड वाईफाई कनेक्शन हो, आपका लैपटॉप हो, और या तो आपका लैपटॉप नहीं है तो आपके पास डेस्कटॉप हो, डेस्कटॉप में आपका वेबकॉम इंस्टॉल होना चाहिए, और लैपटॉप में तो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। और इसमें कुछ और भी बोला गया है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या एवब सिस्टम होना चाहिए, जिसका जो रैम है वो 4GB होना चाहिए। तो ये कुछ मांगा गया है, ये आपके पास आपके सिस्टम में ये स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहली तो naukri.com में ये प्रोफाइल आई हुई थी तो मैं वहाँ इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सिंपली आपको उस लिंक पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और naukri.com के थ्रू क्लिक करना, मतलब अप्लाई कर देना है। दूसरा, यहाँ पे जो यहाँ के HR हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आपको HR के थ्रू भी यहाँ पे अपना रेज्यूमे सेंड कर देना है। लेकिन रेज्यूमे कैसे सेंड करना है? जो भी यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो आप उन सबको यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास है, और उसके बाद वैसा रेज्यूम आप बनाएंगे, अपडेटेड रेज्यूम अपना बनाएंगे और उसे आप सेंड कर देंगे इनके कॉन्टेक्ट नंबर में। व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है इनका, उस पर सेंड कर देंगे। चूंकि यहाँ पे जो HR का नंबर दिया गया वो एक ही HR का नंबर दिया गया, मतलब एक ही HR इसे हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे तो मे बी आपको थोड़ा डिले हो सकता है कॉल बैक आने में या रिवर्ट बैक आने में। तो आप 1 to 2 days वेट करिए, उसके बाद आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, रिवर्ट बैक आपको ज़रूर आएगा, आपका इंटरव्यू ज़रूर शेड्यूल होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।